गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, आई एम ममता जोशी फ्रॉम टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल. चिल्ड्रंस, प्रीवियसली वी हैव डन लेसन 11 फेस्टिवल्स. वी हैव लर्न अबाउट दी फेस्टिवल्स, त्योहारों के बारे में हमने जाना है. और हमने होली, रक्षाबंधन, दिवाली, दुर्गा पूजा, ओणम, ईद उल फितर, क्रिसमस, महाशिवरात्रि, दशहरा, गुरु नानक बर्थडे, इन त्योहारों के बारे में जाना है कि त्यौहार कब आते हैं और हम इन्हें कैसे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन 12 नेशनल फेस्टिवल्स. राष्ट्रीय त्यौहारों के बारे में हम जानेंगे. ये है आपकी बुक. मैं जब भी चैप्टर पढ़ूँ, आपको समझाऊँ, तब आपको अपनी बुक्स खोल के हर एक वर्ड्स को नोटिस करना है, अपनी फिंगर रख के कि मैं किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ. और आपको रीडिंग सीखनी है. यू हैव टू लर्न रीडिंग. रीड दी चैप्टर. यू शुड नो हाउ टू रीड दी चैप्टर्स. सो दिस इज योर चैप्टर, नेशनल फेस्टिवल लेसन 12 ऑन पेज नंबर 51. आई एम रीडिंग इट. नेशनल फेस्टिवल्स आर दोज फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाई ऑल इंडियंस ऑन द सेम डे थ्रू आउट द कंट्री. द थ्री इंपॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल्स आर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. दिस डेट्स ऑफ दिस फेस्टिवल्स ऑलवेज रिमेन द सेम एवरी ईयर. यहाँ पर हमको ये बताया है कि हमारे राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं वो पूरी कंट्री, पूरे देश में सारे भारतीय इस त्यौहार को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं हमारे कंट्री में? तीन मेन प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार जो है वो है रिपब्लिक डे, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप भी कहते हैं. सॉरी. सेकंड है इंडिपेंडेंस डे, उसे हम आज़ादी का दिवस मनाते हैं 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्र दिवस. और थर्ड है गांधी जयंती, जो हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं. ये जो है फेस्टिवल्स हैं, नेशनल फेस्टिवल्स, पूरी कंट्री में सेम डेट को सभी लोग पूरे साल में सेलिब्रेट करते हैं. अब हम पहला त्यौहार इंडिपेंडेंस के बारे में जानेंगे कि इंडिपेंडेंस कब आता है, इसे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन क्या क्या परफॉर्मेंस होती है, उसके बारे में हम जानेंगे. आई एम रीडिंग इट. इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 इज द डे व्हेन इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल. दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली. ही देन एड्रेसेस द नेशन रोड्स आर डेकोरेटेड विद फ्लैग्स. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेज शासन से, मतलब ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था. इसलिए हम इस दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्योंकि हम उनकी गुलामी से फ्री हो गए थे, आज़ाद हो गए थे. इस दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री प्रधानमंत्री हमारे जो होते हैं रेड फोर्ट पे झंडा लहराते हैं और हमारे नेशन को कुछ ना कुछ एडवाइजेस देते हैं, कि हमें सजेशंस देते हैं कि हम इंडियंस को क्या करना चाहिए. और पूरा रोड जो है वो झंडों से, फ्लैग से सजाया जाता है. ओके, इस दिन झांकियां भी निकलती है, झांकियां रिपब्लिक को भी निकलती है. और ये है हमारा रेड फोर्ट का पिक्चर, दिख रहा है आपको, ये दिल्ली में है रेड फोर्ट. यहाँ पर जो झंडा लहरा रहा है, देख रहे हो, वो अपना नेशनल फ्लैग है, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं. नेक्स्ट फेस्टिवल है गांधी जयंती. इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात. ही बिलीव इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. द डे इज ऑब्जर्व एज स्वच्छता दिवस इन एन अटेम्प्ट टू एनफोर्स क्लेनलीनेस. अब गांधी जी जो है उसे हम फादर ऑफ द नेशन, उनको हम फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं. और बापू, फादर ऑफ द नेशन बापू करके संबोधित करते हैं इनके. ये यहाँ पे लिखा हुआ फादर ऑफ द नेशन है, जिनको हम बापू भी कहते हैं, प्यार से बापू कहते हैं. और इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में. कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, जो कि गुजरात में आया हुआ है. वो सच्चाई सत्यमेव जयते, वो सच्चाई को और नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे.
और ये स्वच्छता को भगवान के बराबर मानते थे. ही ऑलवेज यूज टू से दैट क्लैनलीनेस इज इक्वल टू गॉड. और ये हमेशा सबको स्वच्छता पे सजेशंस देते थे कि हमको हमारे सिटी हमारा कंट्री क्लीन रखना चाहिए जिससे कि बीमारियां ना फैले और हमारा कंट्री जो है क्लीन इंडिया बने, ग्रीन क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री इंडिया. ओके, ये है गांधी जयंती के बारे में. तो टुडे वी हैव क्लियर टू टॉपिक्स, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. सॉरी चिल्ड्रन, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑन पेज नंबर 52. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.